सीमा आप नकवी ने। पाठक जी यहाँ पे आ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री इनसे बात करते हैं। सर आज गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए कितना शुभ? आज श्रद्धेय गुरुदेव अर्जुन जी का प्रकाशोत्सव है, ऐसे अवसर पर हम सब ऐतिहासिक जयागंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए आए हैं। पूरे सिख समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग अपने समाज को और मजबूत बना सकते हैं। गुरुदेव ने जो हम सबको प्रेरणा दी, हम सबको आशीर्वाद दिया, उसकी बदौलत सिख समाज ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपना संदेश कायम किया है। ऐसे अवसर पर मैं पूरे सिख समाज को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। सर जिस तरह से चुनाव का मौसम चल रहा है, राजनाथ सिंह जी भी जगह जगह जा रहे हैं, दूसरे दलों के नेता भी जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और अटल जी के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया और हम अगर यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ पर अटल जी की एक अच्छी मूर्ति लगवाएंगे। सद्य अटल जी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता लखनऊ को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जितने कार्य लखनऊ में किए हैं वो अटल जी के आशीर्वाद से किए हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं जिनका परिणाम सुखद आम जनता को मिलने वाला है और अटल जी की प्रतिमा भव्य लगेगी और ऐसी लगेगी कि लोग देखने आएंगे और आदरणीय गृहमंत्री जी ने इसकी घोषणा पूर्व में ही कर दी है। कैमरामैन गौरव के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।